नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इंडिया स्पॉटलाइट कलेक्शन, जो कि नेटिव इंस्ट्रूमेंट का इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए खास तौर पर बनाई गई एक लाइब्रेरी है, उसका एक डेमो देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इंडिया स्पॉटलाइट कलेक्शन में आपको तीन कैटेगरी देखने को मिलती हैं, एंसेंबल, पर्कशन और मेलोडिक। तो यहाँ पर मेलोडिक कैटेगरी में अगर हम चलते हैं, जहाँ पर आपको फ्लूट, हारमोनियम, संतूर, सितार, तानपुरा, तुम्बी इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर फ्लूट ओपन करी हुई है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आप रूट नोट और स्केल्स को चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वेस्टर्न स्केल्स के साथ आपको इंडियन स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको की मोड्स भी मिलते हैं, जिनको आप प्ले करने पर अलग अलग साउंड को जनरेट कर सकते हो। तो देखा कितना अच्छा साउंड आ रहा है यहाँ पर। अलग अलग ऑर्नामेंट्स आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो साउंड में। तो चलते हैं अब हम हमारे हारमोनियम की तरफ। तो अभी अगर आप हारमोनियम का जो साउंड सुन रहे हो, इसमें आपको एक नॉइस सुनाई दे रहा है, जिसको अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये एक और एक्स्ट्रा मेन्यू ओपन होता है, जिसमें आप नॉइस को डाउन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्रोमेटिक स्केल कर दे रहा हूँ हारमोनियम के लिए। इसका हारमोनियम का साउंड है वो मेरे को बहुत पसंद आया है। अभी हम चलते हैं संतूर की तरफ। तो इस संतूर का साउंड भी बहुत लाजवाब है। अब हम चलते हैं सितार की तरफ। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारे की मोड्स मिलते हैं, मैं जिनको आपको नहीं सुना रहा हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं तानपुरा की तरफ। बहुत ही प्योर साउंड है, आपको सुनाई दे रहा होगा ये। अब हम चलते हैं तुम्बी की तरफ। यहाँ जो तुम्बी का साउंड है उसको मैं लाइव प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नोट बिल्कुल लगातार प्ले होते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ तुम्बी में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू मिलते हैं, जिसमें नॉइज और स्विंग का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसको आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पर्कशन वाली कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले मैंने ढोल को ओपन किया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ लूप्स जमे हुए मिलते हैं। मैं थोड़ा सा BPM को स्लो कर लेता हूं। तो मेरे को ये जो लूप हैं, ये पता नहीं क्यों इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने ज्यादा रियल लूप आते हैं। हालांकि अगर प्लगइन्स के हिसाब से देखें तो प्लगइन्स के हिसाब से इसमें स्टीरियो साउंड रिकॉर्ड किया गया है, वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे को लूप्स का ये मुकाबला करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको वन शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको साउंड देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं ढोलक की तरफ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वन शॉट्स ढोलक के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी और दी हुई है ढोलक की, जिसको मैं प्ले करता हूँ। तो ये था दूसरी टाइप की ढोलक। अब यहां पर हम घटम पर चलते हैं।
तो ये था घटम का साउंड खंजीरा पर। अब हम चलते हैं। तो खंजीरा का साउंड मेरे को बहुत अच्छा लगा है। इसमें फिलर के तौर पर आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो इसको। अब ये आता है खोल का साउंड। अगर मेरे को श्री कृष्ण जी के ऊपर कोई भी भजन बनाना होगा, हरे कृष्णा कम्युनिटीज जैसे आती हैं उनके से रिलेटेड, तो मेरे को ये खोल का साउंड बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर यूज़ करने का। खोल का साउंड। अब इसके साथ हम चलते हैं मृदंगम पर। बहुत अच्छा साउंड है। अब हम चलते हैं पखावज पर। तो बीजीएम में मैं इसका काफी ज्यादा यूज कर सकता हूं। पखावज मेरे को बीजीएम में बहुत सुनने को मिलता है। तबला पर आते हैं। शानदार, तबले का साउंड भी इसमें बहुत अच्छा आपको सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर एंसेंबल्स की कैटेगरी और दी हुई है, जिसमें मैं इंडिया एंसेंबल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे परकशन एक साथ ही जुड़े हुए मिल जाते हैं। तो शायद ये इनमें वन शॉट्स होंगे इनके। तो इसका आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, क्योंकि आपको बहुत सारे वन शॉट एक साथ जमे हुए मिले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये थी ओवरऑल इंडिया स्पॉटलाइट कलेक्शन लाइब्रेरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।